हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विष्णु और आज मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल अनबॉक्सिंग के बारे में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग J7 Max के बारे में, जो कि जुलाई में लॉन्च हुआ है और इसकी कीमत है 17,900 ऑनलाइन दिया जा रहा है। और आप कहीं नज़दीकी शॉप पर अगर ट्राई करेंगे तो आपको कम में भी ये मिल जाएगा। यहाँ बहुत ही अच्छा शानदार मोबाइल है और लुकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी दी हुई है कंपनी ने। गोरिल्ला ग्लास के साथ है, 4 GB रैम है इसकी और 32 GB इंटरनल है। तो आपको अनबॉक्सिंग करके बताते हैं हम, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी J7 Max और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इससे पहले हम इसका देख लेते हैं क्या क्या फीचर दिए हुए हैं इसमें। इसमें दिया हुआ है 13 MP कैमरा आगे और पीछे, फ्लैश लाइट के साथ में दिया हुआ है, 4 GB रैम दी हुई है, 64 बीटा क्वाड कोर प्रोसेसर दिया हुआ है, 144.7 mm FHD TFT ग्लास दिया हुआ है इसका। और इसमें दिया हुआ है 32 GB मेमोरी और 3300 mAh की बैटरी है। और एक नया फीचर भी इसमें ऐड किया है सैमसंग ने स्मार्ट ग्लो के नाम से। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हमारा फोन, ये मैंने नज़दीकी शॉप से खरीदा है। तो ये मैंने खरीदा है 16,700 का, आपको 16,500 तक के रेट में मार्केट में मिल सकता है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है बुकलेट एंड की सिम को निकालने के लिए, ईयरफोन दिया हुआ है जो काफ़ी पेनफुल ही है, तो पहनने से कानों में काफ़ी दर्द होता है, ज़्यादा देर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसमें दिया हुआ है चार्जर जो नॉर्मली सैमसंग के साथ आता है, डाटा केबल है। डाटा केबल इसमें काफ़ी छोटी कर दी है इसने, काफ़ी छोटी डाटा केबल है इसकी, तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी इसको लगाने में चार्ज। तो चलिए इन सबको करते हैं साइज और शुरू करते हैं। तो ये है हमारा गैलेक्सी J7 Max जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है 3.5 mm जैक, चार्जिंग पिन, माइक और सिम स्लॉट दिया हुआ है, एक है कार्ड और सिम के लिए, एक सिम के लिए है, ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, पावर बटन दिया हुआ है, स्पीकर दिया हुआ है, सेम J7 Prime जैसा है। बाकी इसमें फ्रंट कैमरा 13 MP दिया हुआ है और प्लस फ्लैश के साथ दिया हुआ है। और दोस्तों अच्छी बात ये है, इसमें ब्राइटनेस सेंसर जोड़ दिया गया है जिससे ऑटोमेटिक आपका जो ब्राइटनेस लेवल है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ पहले दोस्तों का J7 सीरीज में ये सिस्टम नहीं जोड़ा गया था तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, बाकी अब जब से लगाया गया है इसमें तो काफ़ी अच्छा हो चुका है इसमें। तो देखते हैं, आगे करते हैं इसके फीचर्स के बारे में बात। हम 13 MP फ्रंट कैमरा है, 13 MP बैक कैमरा है, फ्लैश लाइट के साथ दिया हुआ है। और ठीक है दोस्तों, ये है हमारे सामने J7 Max, शानदार लुकिंग दिया हुआ है, मेटल बॉडी दी हुई है, बैक गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है इसमें आगे, 13 MP फ्रंट कैमरा दिया हुआ है फ्लैश लाइट के साथ और बैक 13 MP फ्लैश लाइट के साथ दिया हुआ है। कैमरे के आसपास इसमें LED लाइट दी हुई है और लुकिंग दोस्तों इसका काफी गुड दिया हुआ है, एजेस फोल्डिंग दी हुई है इसमें। और दोस्तों ये ईयर हेडफोन दिया हुआ है आपको, चार्जिंग पिन दिया हुआ है, सिम स्लॉट दो दिए हुए हैं इसमें, एक सिम दो सिम यूज कर सकते हैं और एक कार्ड यूज कर सकते हैं दोस्तों एक साथ। काफी फोनों में आजकल आ रहा है कि एक सिम और एक कार्ड यूज कर सकते हैं, ज्यादातर MI के फोनों में आ रहा है, बाकी इसमें ये सुविधा दी हुई है, दो एक सिम इसमें और एक सिम कार्ड के साथ हम यूज कर सकते हैं। और ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है दोस्तों इसमें, और पावर ऑन ऑफ बटन है, स्पीकर है,
माइक दिया हुआ है नीचे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हमको लॉक सिस्टम 3 मिल जाएंगे दोस्तों। फेस लॉक मिल जाएगा आपको, दूसरा मिल जाएगा फिंगरप्रिंट लॉक जो यहाँ पर दिया हुआ है, और प्रिंट लॉक वगैरह सब फैसिलिटी होती है फोन में। मेन्यू स्टाइल थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, आप यहाँ से ऊपर करके ये मेन्यू आ गया इसका। अगर इसको वापस भेजना है तो आप इसको नीचे कर दें। तो चलिए हम देखते हैं और फीचर के बारे में क्या क्या है। इसमें ड्यूल मैसेंजर सिस्टम दिया हुआ है दोस्तों, जिसकी मदद से आप दो फेसबुक अकाउंट और दो व्हाट्सएप अकाउंट एक साथ चला सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, ये सेटिंग में जाना है। इसके बाद हमें एडवांस फीचर में जाना है। हम नीचे देखेंगे ड्यूल मैसेंजर, ये देखिए ये एक फेसबुक और एक व्हाट्सएप एक्स्ट्रा चला सकते हैं। स्काइप चला सकते हैं हम, इसमें दो स्काइप चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके एक फीचर में आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। इसमें हम मल्टी विंडो यूज कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे हमने काफी सारी फाइलें खुल जाती है, तो बहुत सी बार होता ही है दोस्तों कि हमें ये भी चालू करना है और दूसरा भी लगाना है, तो दो विंडो चला सकते हैं हम इसमें। ये ऊपर सेटिंग का विंडो चल रहा है, नीचे हम कुछ भी चला सकते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब चला लेते हैं। ये हमने यूट्यूब खोल लिया है, ऊपर सेटिंग चल रहा है, नीचे यूट्यूब चल रहा है। दोस्तों इस तरह से हम दो विंडो एक साथ चला सकते हैं। इसको हटाने के लिए हमें सीधा नीचे करना है। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है इसमें। ये देखिए फीचर काफी अच्छा दिया है। इसको करके इधर जूम कर सकते हैं। इन नाइट में फ्लैश की वजह से मैं आपको कैमरा क्वालिटी कुछ दिखा नहीं पाऊंगा अभी खास, फिर भी मैं आपको एक फोटो क्लिक करके बताता हूँ कैसा होता है फोटो इसका। ये देखिए यहाँ पर काफी लो लाइट है, फिर भी फोटो काफी अच्छा आया इसमें दोस्तों। ये देखिए तो ठीक है दोस्तों, मोबाइल काफी अच्छा है। अगर आप मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो जरूर खरीदें, काफी अच्छा मोबाइल है। इसके और फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फिर फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।